रंग जमाया और देखते ही देखते दिलों पे छा गया। लाहौर न्यूज के हर दिल अजीज शो जागो लाहौर के भी 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। लाहौर न्यूज की एनिवर्सरी है 2nd और इसके साथ साथ जागो लाहौर की भी 2nd एनिवर्सरी है और हमने आपके साथ बहुत लंबा एक सफर गुजारा हर तरह से, चाहे आप पुराने लाहौर से हैं या नए लाहौर से हैं, चाहे आप मॉडल टाउन में हैं, चाहे आप डिफेंस में हैं, चाहे आप लोहारी से हैं, चाहे आप भाटी से हैं, मतलब हमने आपको पूरी कोशिश की इंटरटेन करने की, इन्फॉर्म करने की और हर किरदार जो है अपने अपना रिपोर्टिंग के हवाले से या आपको इन्फॉर्मेशन देने के हवाले से पूरी जिम्मेदारी से निभाया और हम इस बात की गारंटी भी देते रहे कि जो जो आपको हम बताएंगे वो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद जरूर होगा, चाहे आपकी सेहत से हो, शहर में क्या हो रहा है, लाहौर के जो बासी हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, खबरें क्या चल रही हैं और इसके अलावा खेलों की क्या सरगर्मियां जारी है, हमने लम्हा बा लम्हा आपको बाखबर रखा। इसमें हमारी पूरी टीम, हमारी मैनेजमेंट, हर एक ने पूरी एफर्ट लगाई और इतने कम अरसे में हमने कोशिश की कि आप लोगों को आपके दिलों में घर कर सके, आपके घरों में जगह बना सके। लेकिन मेरी बातें आप ज्यादा देर मजीद ना सुने और मेरी मेहमानों की सुने, इसलिए मैं अपने मेहमानों का तारुफ जरूर करवाऊंगी। जनाब, हम वेलकम करेंगे अपने मेहमानों का। आप सबसे पहले जिनको मैं दावत दूंगी उनका जो हमारे साथ साथ है वो कुछ इस तरह से जैसे मेरा और स्क्रीन का साथ है और हमारी दुनिया टीवी की पहचान है, हमारी स्क्रीन की जान है। वेलकम करते हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच ठाकुर साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने याद किया इस अच्छे मौके पर। अच्छा जनाब, इफ्तिखार ठाकुर साहब ने तो हमें ज्वाइन कर रही है लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि जब भी ये आते हैं इवन हमारे न्यूज़ रूम में इनकी आमद का हमें जैसे खबर मिलती है, मुझे कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर लगती है जो मुझे याद रह जाती है और आज मुझे लग रहा है मेरे साथ बहुत होने वाली है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उसके साथ साथ हम म्यूज़िक का तड़का ज़रूर लगाएंगे और ऐसे मेहमान को दावत देंगे कि जब भी वो आते हैं या जब भी वो सुर छेड़ते हैं यहाँ एक समा बन जाता है। हम वेलकम करेंगे जोजी अली खान का। बहुत शुक्रिया आपके आने का। जनाब, हमारे दोनों मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तो आज लाहौर न्यूज को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, हमारे शो को जागो लाहौर को 2 साल मुकम्मल हो गए, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह जी, 2 साल का हो गया ये लाहौर चैनल। लाहौर न्यूज पे मुझे बड़ा ही फख्र था जब ये एकदम से शुरू हुआ और इसकी स्टाफ, जितना भी इसका स्टाफ है, उसने इतनी मेहनत की, इतनी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की कि ये चैनल दिनों के अंदर पूरे चैनलों के दरमियान में खड़ा हो गया था। ये बड़ी अच्छी बात थी और मुझे आपका भी पहला दिन याद है जब आप चैनल पे एंटर हुई थी। मुझे लगा था कि भाई कमज़ोर तो मैं भी हूँ पर उर्मिले तो देखो की बनेगा, लेकिन आपने बड़ी मेहनत की, आपने इस प्रोग्राम को बड़ी मेहनत से शुरू किया और आज ये प्रोग्राम जो है ये लाहौर न्यूज़ का नंबर 1 प्रोग्राम है। अरे बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे गेस्ट, बड़े गेस्ट इस प्रोग्राम में आए और बड़े अच्छे गेस्ट आए और सब ने आपको जो है पूरा रिस्पॉन्स दिया और आपने पता नहीं उनको रिस्पॉन्स दिया कि नहीं। सही हो गया। अच्छा, चूंकि हम इफ्तिखार ठाकुर साहब पहली बार हमारे शो पर आए हैं और हम डेफिनेटली इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं, लाहौर की बात करते हैं, लाहौर न्यूज़ की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इनकी जो लाहौर से यादें वाबस्ते हैं उसके हवाले से भी हम ज़रूर पूछेंगे। जोजी अली खान साहब तो पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुके हैं और ये शर्फ हमें बख्श चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारी एनिवर्सरी? सबसे पहले जो है लाहौर न्यूज़ को मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत मुबारक, दूसरी एनिवर्सरी है उसकी। और पहले दिन मैं भी आया था, मुझे मौका मिला था जिस दिन लाहौर न्यूज़ लॉन्च हुआ था, बिल्कुल। और इतने सब लोग जो है उनका जोश था, पुरजोश थे, जिस तरह लाहौर लाहौर है उसी तरह मैंने कहा था कि लाहौर चैनल जो है, लाहौर न्यूज़ जो है पूरी दुनिया में इंशाल्लाह माना जाएगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं और आप पहले दिन से ही माशाल्लाह छाई हुई हैं लाहौर न्यूज़ पर और लाहौर न्यूज़ की जितनी भी टीम है उस सारी टीम की मेहनत का नतीजा है कि आज लाहौर न्यूज़ जो है इतने बड़े बड़े चैनल्स हैं पाकिस्तान में, उनमें ये देखा जाता है और लाहौर न्यूज़ का एक नाम है। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारी 2nd लाहौर न्यूज़ की एनिवर्सरी पे हमारे शो का जागो लाहौर का हिस्सा बने। डेफिनेटली मेरी भी लाहौर न्यूज़ से बहुत सारी यादें वाबस्ता है क्योंकि मेरे लिए ये मेरे करियर का एक पहले बूस्टिंग पॉइंट था, एक बूस्टिंग शो था जिसके बाद मुझे बहुत सारी इंकरेजमेंट भी मिली। अच्छा, लाहौर की बात करें तो जागो साहब, आपकी लाहौर से क्या यादें वाबस्ता है, आपको क्या लगता है कि जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि मुझे पक्का लाहौरी बनाती है?
लाहौर की एक तो ज़ुबान ऐसी है, बड़ी मज़े की ज़ुबान है, दूसरे लाहौर के खाने ऐसे हैं, फिर लाहौर का एटमॉस्फेयर ऐसा है, माहौल ऐसा है, लोग यहाँ के बड़े फ़नी हैं, मज़ेदार हैं, सोते तो हैं ही नहीं 24 घंटे, जब भी इनको देखो जाग ही रहे होते हैं। और आपका प्रोग्राम उनके लिए और अच्छा है क्योंकि ये जागो लाहौर है, आप इनको जगाते हैं जोर-जोर के उठ जाएं। हाँ, बल्कि आप इस प्रोग्राम का नाम रखें 24/7, ताकि 7 दिन और 24 घंटे लोग जागते रहें, यही प्रोग्राम चलता है। क्या फायदा होगा आपको सोने का, आपकी सेहत पे कोई असर पड़ेगा? मैं तो कह आज बात करके जाऊंगा कि आपको जो पे मिलती है उसमें डिनर और लंच अलाउंस भी लगाया जाए। क्यों है? खाती भी थी हूँ, मतलब क्या स्क्रीन की भी तो डिमांड होती है ना ऐसे। नहीं, बड़ी बात है जी, इतनी स्क्रीन को देखें जरा सामने, स्क्रीन तो पूरी वैसे फुल हो गई है आज। नहीं आज वैसे भी ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी है। हाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह, वैसे भी आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, ये मुझे पता नहीं चल रहा मेरी, ये आज असल में मैं आपको बताता चलूं कि आज लाहौर न्यूज़ की हम जो है दूसरी सालगिरह पे इकट्ठे हुए हैं और खुशी का मौका है, इसीलिए ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको खुश कर रहे हैं, आप दिल पे मत लें। मैं जेन्युइन बात आपको बताऊँ, जिस दिन ये प्रोग्राम था या जो मामला हो रहा था उसमें आपसे काफ़ी लड़कियाँ थी, उसमें आप जो आपकी फ्लो थी ना जी गुफ्तगू की, उससे अंदाज़ा हो रहा था कि इन सब में से आप ही सिलेक्ट होंगे, मुझे 100% यकीन था। और उसके बाद आप सिलेक्ट हुई, आपने प्रोग्राम को लेके जिस तरह चली, जबरदस्त था ये। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, इतनी ज्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है, मुझे डाइजेस्ट करनी पड़ेगी, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ तो फर्क पड़े, कुछ तो फर्क पड़े, खाने पीने की बजाय कुछ तारीफें ही सुन ले। जो अली खान साहब आप हमारे साथ मौजूद है, तो कार ठाकुर साहब हमारे साथ ढेर सारी बातें करें, लेकिन म्यूजिक अली खान साहब और म्यूजिक ना क्या सुनाएंगे? मैं कुछ लाइव सुनाता हूँ आपको। जरूर जरूर। हाँ, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, दिल मुड़दा नी लख समझाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया, दिल विच तेरा प्यार वसा के वेखी जावा, कोल बिठा के वेखी जावां, कोल बिठा के तैनू दिल वाले शीशे च सजाया, तैनू दिल वाले शीशे च सजाया, जी करे वेखदा रवां, किन्ना सोना तैनू रब ने बनाया। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, इतना जबरदस्त सभा बन जाता है जनाब, जोजी अली खान साहब जब गाते, आपके इतने ज्यादा चाहने वाले हैं, जिस तरह आपने भी खुद बताया हर जगह लोग आपको उनसे इंटरेक्शन या अपना जो आप कहते हैं ना प्यार जब आप देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक बेसिकली फॉरम होता है, वैसे तो आम रूटीन में आप चलते फिरते लोगों से, तो फिर वो किस तरह से आप अपने आपको वहाँ पर रख के सोच पाते हैं? यस, मैं बिल्कुल ना जी नॉर्मल आदमी, मेरे पास ना कोई ड्राइवर है ना कोई मुलाजिम है, मैं सुबह सब्जी भी ले आता हूँ, साइकिल पे भी चला जाता हूँ, पैदल भी चला जाता हूँ, कॉम्प्लेक्स ही नहीं है। अच्छा, रेलवे स्टेशन पे अगर कहीं काम है, लारी अड्डे पे काम है, एयरपोर्ट पे हूँ, बिल्कुल मैं नॉर्मल लोगों से मिलता 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 चला जाता हूँ। और लोग फिर आर्टिस्टों का मतलब ये होता है कि प्यार भी इतनी देर इतने लाइनें छोड़ देते हैं, मतलब कि यार ठाकुर साहब आए हैं, बाबे बुड्ढे बुढ़िया माइयां जितने भी लोग होते हैं वो मुझसे बिल्कुल इसी तरह मिलते जो मेरे नानका है, मेरे नानी दादे के ने। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अभी आप चूंकि हंसना दूसरों को हंसाना बहुत मुश्किल काम है, आई बिलीव कि ये हर किसी के पास वो टैलेंट या स्किल नहीं होता, आपने हमेशा से ये चीज ही बांटी है, कभी कभी आपने कहा मैं नॉर्मल इंसान हूँ, कभी इंसान डाउन भी होता है, कुछ अपनी जिंदगी में परेशानियां होती है, लेकिन उस फेस को बरकरार रखते हुए हंसाना लोगों को कभी कभी बहुत चैलेंजिंग होता होगा आपके लिए? मैंने नहीं कभी कोई परेशानी मैं कभी हुई तो नहीं, ऐसा भी बड़ी कोई कभी ना हो। बेसिक चीज होती है फैमिली, फैमिली की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो,
میری جو وائف ہے نا جی ان کو ہزاروں مرتبہ یہ سوال عورتیں خواتین مرد جنہوں نے بھی کیا انہوں نے کہا یہ گھر میں بھی ایسے ہی ہیں یہ گھر میں سیریس ہیں سیریس ہوتے ہیں ٹرسٹ بھی یہی سوال کرنا تھا کہ آپ گھر میں سیریس ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں میں نے گھر میں ابھی انٹر ہونا نا بچے میری وائف ان میں سے شاید آپ کو پہچاننا بھی مشکل ہو جائے کہ بھی بچے ایک دم سے لپٹ جائیں گے شور شرابا اگر میں نے کوئی بات کی ادھر سے جواب آئے گا اگر انہوں نے کوئی جواب بات کی تو میں نے جگت پانی ہوتا ہی رہتا ہے جی سر جی سر بالکل نارمل ہنستے کھیلتے رہتے ہیں یہ بھی ریاضت ہے وہ بھی چار چھ گھنٹے ریاض کرتے ہیں میری جو ساس ہیں میری پھپھو ہیں اچھا اچھا میری جو وائف ہے اس کو اتنی خواتین جو ہے نا وہ میری وائف کو کہتے ہیں تیری ساس کی بھی چنگی ہے نہیں تیری ساس کی بھی چنگی وہ بےچارے یہ خیر ہے بتاتے ہو کہ میری نہیں ہے یہ ساس ہے میری تو ماں ہے مطلب یہ اتنا آپ نے گھر کو ایک پرسکون ماحول میں رکھا مزیدار کر کے کبھی ان کی طرف سے ٹینشن نہیں ہوئی مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں وہ کام کے اندر دن ہو رات ہو میں نے ان کو میں نے ریڈی بھائی 10 منٹ میں مجھے ریڈی کر دیں گے ہاں جی حالت انہوں نے انہوں نے بس نہیں چلتا نہیں تو میں اتنی دور میں گھر سے آتا ہوں وہ میں نے گلیل چ پا کے چڈن ٹریفک بھی ٹینشن میں گھر کا ماحول بندے نے خود کریٹ کرنا اور انہوں نے ٹھاکر صاحب نے ماشاء اللہ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ گھر کا ماحول کو جو ہے اس طرح کریٹ کیا ہے کہ وہ سارے جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں جی 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 آیا نا کہ مطلب کچھ چیز آڑے آ جائے کہ کامیابی کی طرف بندہ جا رہا ہے تو دو کھچی جا رہے ہیں پیچھے تو کدھر چلے ہم آپ تو فیملی کو تو چاہیے نا کہ سپورٹ کرے مطلب ان کے جو گھر کے معاملات ایک بیک بون ہوتی ہے فیملی آپ کی ہر حال میں وہ آپ کے ساتھ ہو تو پھر میرے خیال سے کوئی بھی چیز یا کوئی بھی ٹارگٹ آپ کے لیے اچیو کرنا میرے محلے کے جو بچے ہیں نا جی 15 سے 20 بچے ہوں گے جو میں نے دیکھتا ہوں گلی میں کھیلتے رہتے ہیں وہ میں نے پنگوڑے والا سمجھتے ہیں مزاق نہیں کر رہا کیوں بھائی میں کالونی میں انٹر ہوں گا نا جی وہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا جی نکے نکے ایڈے بچے تو لے کے ہر سائز کا بچہ جی ہر سائز کا بچہ فوراً میری گڈی چ بڑھ جاندے نے کیونکہ میں اگوں موڑ کے لے آنی تھوڑا آگے جا کے مجھے ٹرن کر کے واپس گاڑی لانی سارے میری گڈی چ بڑھ گئے نہ ادھروں وہ گھوم کے میرے گھر دے کے پھر سارے بچ وائیں کر کے نکل گئے باجی میں فٹ بال کی ٹیم نکل گئی وہ میں نے چوٹیاں والا پنگوڑیاں والا بابا سمجھتے ہیں چلیں جناب باتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اتنے خوبصورت مہمان ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں جاگو لاہور کے 2 سال مکمل ہو گئے لاہور نیوز کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں تو ابھی ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں باتوں کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور بھی مہمان ہمیں جوائن کرنے والے ہیں آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور